नमस्ते बच्चों, आज हम विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं विभव मापी, आपने पढ़ा है, विभव मापी की सहायता से हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो हम विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम एक विद्युत परिपथ की हम व्यवस्था करें, देखें। तो इस प्रकार से हमें एक बैटरी लेंगे, बैटरी के साथ कुंजी, कुंजी के साथ एक धारा नियंत्रक और इनके साथ एक, इस प्रकार से हम व्यवस्था करेंगे। और यह सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है, धन ऋण, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसे हम जोड़ देते हैं। और इसके साथ हम एक धारा मापी जोड़ेंगे और धारा मापी के साथ एक जॉकी J जुड़ा हुआ होगा। यह है धारा मापी G, इसे हम नाम दें प्लस माइनस कुंजी है K, और धारा नियंत्रक जिसे हम RH कहते हैं उसको हम इस प्रकार से तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये है धारा नियंत्रक। और इस प्रकार से इसमें जब हम देखें तो धारा जो है वो प्रवाहित होने लगेगी। यह सिरा A और B है। तो हम यह विभव मापी की संरचना इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब जो हमारा यह सेल है, इस सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल, जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल E है। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। R जो प्रतिरोध है वह बाह्य प्रतिरोध R हम इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर विभव V, वोल्टेज है विभव V जो है इसमें परिपथ में प्रवाहित होने लगेगी, विभवांतर जिसे हम V कहेंगे। तो सेल का हमने आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र निकाला है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R, फिर ब्रैकेट में हमने निकाला था E अपॉन V माइनस वन। तो इस सूत्र की हमने पूर्व की कक्षा में स्थापना किए थे, इसे हम दे देते हैं समीकरण एक। अब हम देखें तो जो ये तार है, ए बी हमारा तार है, इसका जो सिरा ए है, तो सिरे ए से हम एक ऐसी दूरी ज्ञात करते हैं जहाँ पर जो धारा मापी जी है इसमें विक्षेप क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो विक्षेप यदि शून्य है तो इसे हम संतुलन की स्थिति में कहते हैं। तो सिरे ए से माना कि वह जो दूरी है वह यदि स्मॉल एल वन हो, तब हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे कि ए से एल वन दूरी पर आंतरिक प्रतिरोध ए से एल वन दूरी पर हम कहेंगे संतुलन बिंदु ए से एल दूरी पर संतुलित होने पर, ए से एल दूरी पर संतुलित होता है। तो संतुलित होने पर विद्युत वाहक बल E बराबर, आप जानते हैं कि E बराबर होता है KL, तो यहाँ पे हम देखें तो KL1 दूरी पर संतुलित होता है, तो हम लिखेंगे E बराबर KL1। इसी प्रकार से यदि हम सिरा A से यदि L2 दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो जो संतुलन बिंदु
में हम देखें तो विभव के मान में कमी आती जाएगी, तो विभव हम निकालें या विभवांतर, तो हम के बराबर विभव v बराबर के एल टू हमें प्राप्त होगा, तो v बराबर के एल टू यह हमें मिलेगा। इसके पश्चात यदि हम समीकरण एक देखें तो समीकरण एक में e और v का यदि हम मान रखें तो समीकरण एक में E व V का मान रखने पर तो हम मान रखेंगे तो हमें मिलेगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R, E का मान हमने निकाला है KL1, तो E का मान हो गया KL1 अपॉन में है V, तो V का मान है KL2, तो उसे हम रखेंगे के एल टू और ऋण एक। अब आप देखेंगे कि के और के आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन, ये आपको सूत्र की प्राप्ति होगी। और यही जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के लिए व्यंजक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस वन। R जो है वह प्रतिरोध है, L1 जो है सिरे A से संतुलन बिंदु के बीच की दूरी, और L2 जब विभव पतन होता जाएगा तो सिरे A से L2 के बीच की दूरी है। तो यह A से L2 दूरी पर हम निकाले तो A से L2 दूरी पर V बराबर K L2 हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से यह जो समीकरण है, यदि हमें L1 का मान पता हो, L2 का मान हम निकाल लें, L1 और L2 निकाल लें, और R का मान यदि पता हो, तो हम इस सूत्र में रख कर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और यह जो संरचना आप देख रहे हैं यह विभव मापी है, तो हम विभव मापी की सहायता से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि हम इसका प्रयोग विधि देखें तो प्रयोग विधि में सबसे पहले हम इस प्रकार से विद्युत परिपथ हम तैयार करेंगे, विद्युत परिपथ का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से विद्युत परिपथ का तैयार होने के पश्चात यह जो प्रतिरोध बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे RB जिसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, इस प्रतिरोध बॉक्स से हम सर्वप्रथम अनंत ओम का प्लग निकालेंगे। तो इस प्रतिरोध बॉक्स में एक प्लग होगा जो कि अनंत ओम का होगा, तो अनंत ओम का प्लग हम प्रतिरोध बॉक्स से निकालेंगे। तो जैसे ही हम प्रतिरोध बॉक्स से प्लग निकालते हैं, निकालने के पश्चात हम संतुलन बिंदु A से संतुलन बिंदु के B की जो भी दूरी मिलेगी L1, उसे हम जॉकी को इस तार पर रगड़ाकर चलाकर हम धीरे धीरे चलाकर संपर्क में एक संतुलन बिंदु प्राप्त करेंगे जहाँ पे धारा मापी का विक्षेप शून्य होगा, और वही आपका L1 का मान होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि विद्युत परिपथ तैयार करेंगे। विद्युत परिपथ तैयार करने के पश्चात प्रतिरोध बॉक्स से हम अनंत ओम का प्लग निकालेंगे और A सिरे से संतुलन बिंदु के बीच की दूरी L1 ज्ञात करेंगे। अब उस प्लग को वापस लगा देंगे, अनंत ओम के प्लग को लगाकर हम देखेंगे कि लगाने पर जो विद्युत वाहक बल है हमारा E, उसके मान में धीरे धीरे कमी आती जाती है और E से V हो जाता है। तो E से V होता है जिससे हमें इस AB जो है इसमें L2 स्थिति, जब हम जॉकी को चलाएंगे तो चलाएंगे कब, जब हम प्लग लगाएंगे, तो प्लग लगाने के पश्चात हम जो स्थिति प्राप्त करेंगे वह L2 की स्थिति होगी। तो जब हम प्लग निकालते हैं, अनंत ओम का प्लग निकालते हैं, तो निकालने के पश्चात हमें L1 प्राप्त होता है, और प्लग को जब हम लगा देते हैं और लगाने के पश्चात जो स्थिति मिलती है वह L2 की स्थिति होती है। और हम जो सूत्र है स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस वन, इसमें हम मान रख कर सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। अब हम एक सारणी बनाते हैं, यदि हम इसे प्रयोग करके देखें तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हम एक अवलोकन तालिका का निर्माण करते हैं और इसके माध्यम से हम देखें कि हमें क्या प्राप्त होगा।
तो हम प्रेक्षण सारणी बनाते हैं किसी भी विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो हमें जो सूत्र मिला है वह है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है, इसे हम इस तरफ लिख लेते हैं। अब हम प्रेक्षण सारणी, जिसे हम अवलोकन तालिका कहते हैं, इसका यदि हम निर्माण करें, प्रेक्षण सारणी, तो प्रेक्षण सारणी में सबसे पहले हम लिखते हैं सरल क्रमांक। सबसे पहले हम क्रमांक लिखते हैं कि हमें कितना पाठ्यांक लेना है, एक दो तीन जितने भी पाठ्यांक हैं वो सरल क्रमांक में आएंगे। इसके पश्चात हम यहाँ देखें कि ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है। स्मॉल आर तो आंतरिक प्रतिरोध है, सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जो है वह है बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य जो प्रतिरोध हम प्रयोग में लाएंगे, सबसे पहले हमें बाह्य प्रतिरोध लेना होगा। तो हम बाह्य प्रतिरोध लेंगे कैपिटल आर, और आप जानते हैं कि प्रतिरोध को हम ओम से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध का जो मात्रक ओम होता है। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वह होगा बाह्य प्रतिरोध का, जिसे हम लेंगे कैपिटल आर, जो कि ओम में होगा। इसके पश्चात हम L1 आप जान रहे हैं कि L1 जो है वह इस सेल से हम संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं, A से L1 की जो स्थिति है L1 के लिए। तो हम कहेंगे E के लिए, अर्थात विद्युत वाहक बल, E जो है वह विद्युत वाहक बल है। तो E के लिए हम निकालते हैं, E के लिए संतुलन बिंदु, और संतुलन बिंदु को हम लेते हैं L1। और ये जो दूरी होती है आप जानते हैं कि इसमें पैमाना लगा होता है, और यह होता है सेंटीमीटर में। तो L1 जो दूरी है यह सेंटीमीटर में है, इसलिए हम उसे सेंटीमीटर लिख दिए। इसके पश्चात हम L2 जो स्थिति निकालते हैं, विभव में पतन होता है, V के लिए हम निकालते हैं। तो हम लिखेंगे विभवांतर V के लिए कौन सी दूरी निकालते हैं हम लोग, L2। तो V के लिए L2, यह भी होता है सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। इसके पश्चात हमारा जो सूत्र है, देखिए, R बराबर हो जाएगा R L1 बटे L2 ऋण 1। तो इस प्रकार से ये जब तीनों मान आपको मिल जाएंगे, तो आप इसमें मान रखकर स्मॉल आर की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रेक्षण तालिका का हमने निर्माण किया। यह है प्रेक्षण तालिका। तो इस प्रकार से हम तालिका का निर्माण किए, इसे हम कहेंगे प्रेक्षण तालिका। और इस तालिका में हम विभिन्न आर के मानों को लेकर, एक दो तीन, यदि हम तीन जो है मुख्य पाठ लेते हैं, तीन पाठ्यांक लेते हैं, तो हम जो स्मॉल आर है इसके तीन जो मान प्राप्त होंगे, उन तीनों मानों का यदि हम माध्य ले लेंगे, उन तीनों मानों का हम माध्य निकालते हैं, तीनों को हम जोड़ेंगे और तीन से हम भाग देंगे, तो जो प्राप्त होगा माध्य वह उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा, जो कि स्मॉल आर बराबर जितना भी प्राप्त होगा हम उतना ओम कहेंगे, क्योंकि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। तो इस प्रकार से हम बाह्य प्रतिरोध आर का मान ई के लिए संतुलन बिंदु की दूरी L1, विभवांतर V के लिए L2 और मान रखकर आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं।
अब जब हम यह प्रयोग करेंगे तो हमें कुछ सावधानियां प्रयोग के दौरान रखनी होगी। तो हम सबसे पहले ये जो प्रायोगिक तौर पे ये जो व्यवस्था हम तैयार करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो धन सिरा है, ये देखिए ये बैटरी है, सेल है, इसके धन सिरे को ए से और ए को हम धन सिरे से जोड़े हैं। तो हमेशा सिरा यदि धन सिरे से जुड़ा है तो उसे आप धन सिरे से ही जोड़ेंगे, तो सभी सेल जो होंगे वो धन सिरे से जुड़े हुए होने चाहिए। तार में जब विद्युत धारा आपको प्रवाहित करनी है तब कब, जब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुंजी लगा है के, यदि कुंजी के में यदि हम प्लग लगाते हैं तो प्लग लगाने पर धारा का प्रवाह होगा। तो जब हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने का जब हम प्रयोग करना चाहेंगे तभी हम इस पे प्लग लगाएं, अन्यथा आपका जो प्रेक्षण है वह गलत आएगा। तो आप यह ध्यान रखें कि तार में विद्युत धारा तभी प्रवाहित करनी चाहिए जब आपको प्रेक्षण लेना हो। अब यहाँ पे जो जॉकी है, जिसे हम एक पेन की तरह होती है, उस जॉकी को इस तार पर रगड़कर हम चलाते हैं, तो हम जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। उसके ऊपर हल्का सा आप उस जॉकी को स्पर्श कराते हुए चलाएं। यदि आप उस पर रगड़ कर चलाएंगे तो रगड़ कर चलाने से जो तार है, तार का जो व्यास है वो सर्वत्र एक समान है। यदि आप उसको रगड़ कर चलाते हैं तो जो तार का जो व्यास है वह असमान हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि जो जॉकी है उसको हमको तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। अब जितने भी प्लग हैं आप देख रहे हैं कि ए बी जितने भी प्लग हैं बीच में जो जुड़े हैं, ये हमारी एक विद्युत परिपथ का एक डायग्राम है। यदि आप देखें तो वहाँ पे जो आपको मुख्य परिपथ जो मिलेगा उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, सेल होगा, धारा मापी होगा, उसमें भी दो सिरे होंगे, एक सिरा आपका बैटरी से, दूसरा सिरा जॉकी से, इस प्रकार से जुड़ा होगा। तो जितने भी पेंच हैं उसमें जो संयोजक पेंच जिसे हम कहते हैं, तो सभी जो पेंच हैं वह प्लग हैं, जितने भी प्लग हैं वह ठीक से लगे हुए होने चाहिए, अन्यथा आपका विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा और आपको विक्षेप धारा मापी में प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको प्रयोग करना होगा, और उन सावधानियों को ध्यान में रखकर किसी भी विभव मापी की सहायता से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आइए देखें कि हमने विभव मापी पढ़ा है और वोल्ट मीटर पढ़ा है, तो विभव मापी और जो वोल्ट मीटर है इनमें मुख्य क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर, यहाँ पे हम जब चित्र बनाएंगे तो एक चीज आप याद रखिएगा कि ये जो सिरा है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये हल्का सा इससे दूर रहेगा। तो ये जो हम बनाते हैं इस प्रकार से, एक रेजिस्टेंस होता है और एक ऐसा तीर का चिन्ह होता है। तो इसका अर्थ मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है यह प्रतिरोध, और साथ में हम लिखते हैं RH। तो इस प्रकार से यदि हम सिंपल सा हम यदि बना देते हैं तो आप जानते हैं कि यह प्रतिरोध का चिन्ह है, लेकिन प्रतिरोध के ऊपर इस प्रकार से यदि तीर का चिन्ह लगा दें, या कई स्थान पे आपको देखेंगे इस प्रकार से मिलेगा, तीर का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, तो ये जो है तीर का चिन्ह यदि उस पे लगा है मतलब वह धारा नियंत्रक है। आप जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि रेडियो होता था, तो रेडियो में आप जब आवाज़ बढ़ाना है तो आप क्या करते थे, एक प्लग होता था जिसको घुमाते थे, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे वेरिएबल लगा होता है RH, जिसको आप यदि घुमाएंगे तो धारा का जो मान है वह कम ज़्यादा आप उससे नियंत्रित कर सकते हैं। तो RH जो होता है उसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक। तो यहाँ पे RH क्या है, एक धारा नियंत्रक है। K जो है वह कुंजी है, B बैटरी है, E
वह सेल है जिसका विद्युत आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। जी धारा मापी है, आर बी जो है वह रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था हम करते हैं और ज्ञात करते हैं। तो इसके पश्चात अब हम देखते हैं विभव मापी और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है। तो आपने विभव मापी के बारे में पढ़ा है और वोल्ट मीटर के बारे में आप जानते हैं। विभव मापी और वोल्ट मीटर में अंतर। तो जब हम अंतर लिखते हैं तो दो भागों में हम इस प्रकार से बांट दें। एक भाग पे हम लिखें विभव मापी और दूसरे भाग पे यदि हम लिख दें वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार से हम अंतर करते हैं किन्हीं भी चीज़ों का। तो हम इस प्रकार से एक सारणी के माध्यम से बना लें कि विभव मापी और जो वोल्ट मीटर है उसमें क्या क्या अंतर है हम यह देखते हैं। तो आपने विभव मापी पढ़ा है, तो विभव मापी में हम संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि विभव मापी में जो संतुलन की स्थिति होती है, तो संतुलन की स्थिति में हम प्रायोगिक जो सेल है उससे कोई भी धारा नहीं ली जाती है। तो हम विभव मापी में संतुलन की स्थिति में हम कहेंगे कि पहला जो अंतर है इसमें संतुलन की स्थिति में प्रायोगिक सेल से कोई धारा नहीं ली जाती। तो हम विभव मापी जब प्रयोग में लाते हैं तो संतुलन की स्थिति में जो हमारा प्रायोगिक सेल है उससे कोई भी धारा नहीं ली जाती है। और वोल्ट मीटर में यदि हम देखें तो संतुलन की स्थिति में प्रायोगिक सेल से एक निश्चित धारा ली जाती है। तो यह अंतर हुआ कि विभव मापी में कोई धारा जो है वह नहीं ली जाती और वोल्ट मीटर में एक निश्चित धारा ली जाती है। तो हम लिखेंगे कि इसमें प्रायोगिक सेल से एक निश्चित धारा ली जाती है। अब आप जानते हैं कि जब विभव मापी हम प्रयोग में लाते हैं तो विभव मापी में हम संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं जिससे विक्षेप जो है धारा मापी में वह शून्य प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि जो विभव मापी है इसकी जो सुग्राहिता होती है, वह अधिक होती है। तो विभव मापी की सुग्राहिता अधिक होती है। और
वोल्ट मीटर हम प्रयोग में लाते हैं तो इसकी जो सुग्राहिता है वह क्या होगी, कम होगी। तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता कम होती है। इसी के आगे यदि हम और देखें तो तीसरा जो मुख्य अंतर है कि हम आप पढ़े होंगे विच्छेप विधि के बारे में, तो विच्छेप विधि में शून्य विच्छेप विधि होता है, तो शून्य विच्छेप विधि पर आधारित है विभव मापी। ये आप पूर्व के अध्याय में अध्ययन किए होंगे कि शून्य विच्छेप एक विधि होता है, तो विभव मापी जो है वह शून्य विच्छेप विधि पर आधारित उपकरण है। शून्य विच्छेप विधि पर आधारित एक उपकरण है जिसे हम कहेंगे शून्य विच्छेप विधि पर आधारित है। और वोल्ट मीटर जो होता है वह विच्छेप विधि पर आधारित होता है, विच्छेप विधि पर आधारित होता है। तो वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर में विच्छेप प्रदर्शित करता है, इसलिए हम उसे विच्छेप विधि पर आधारित है कहते हैं। और शून्य विच्छेप विधि अर्थात आप देखे हैं कि विभव मापी में धारा का मान जो है धारा मापी में शून्य प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं शून्य विच्छेप विधि पर आधारित है। तो विच्छेप चूंकि शून्य है इसलिए हम इसे कहेंगे शून्य विच्छेप विधि पर आधारित है। और इसमें विच्छेप जो वोल्ट मीटर होता है जिसमें हम विभवांतर नापते हैं, तो विभवांतर नापते हैं तो उसमें विच्छेप दर्शाता है, तो वोल्ट मीटर जो है विच्छेप दिखाता है, इसलिए हम इसे विच्छेप विधि पर आधारित है ऐसा कहते हैं। और चौथा जो मुख्य अंतर है विभव मापी में, जब भी हम विद्युत वाहक बल मापते हैं तो विभव मापी के द्वारा मापा गया जो विद्युत वाहक बल है या जो विभवांतर है वह वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर के बराबर होता है। तो जब हम मापते हैं विद्युत वाहक बल या विभवांतर को, तो जितना हमारा जो वास्तविक विद्युत वाहक बल और विभवांतर है ठीक उसी के बराबर प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि इसके द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल विवा बल या विभवांतर वास्तविक विद्युत वाहक बल विवा बल अर्थात विद्युत वाहक बल होता है, तो वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर के बराबर होता है, तो इसमें हमें बराबर प्राप्त होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वोल्ट मीटर में विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर है वह वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर से हमें कम प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे कि इसमें जो विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है वास्तविक विद्युत वाहक बल विवा बल या विभवांतर से कम होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि दोनों में यदि हम तुलना करें
तो आप विभवमापी और वोल्टमीटर में किन्हें श्रेष्ठ समझेंगे? तो यदि एक प्रश्न उठता है कि विभवमापी और वोल्टमीटर में कौन श्रेष्ठ है, तो हम यदि दोनों में अंतर देखें तो अंतर से हम बता सकते हैं कि विभवमापी जो है वह अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इससे हम प्रायोगिक सेल से कोई भी धारा नहीं ली जाती है, इसकी सुग्राहिता अधिक होती है, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है और जितना हमारा वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर है उतना हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। हम ऐसा कहेंगे कि विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। तो इनके गुणों के आधार पे हम दोनों में अंतर देखें तो इसमें प्रायोगिक सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है, उसमें धारा एक निश्चित धारा ली जाती है, इसकी सुग्राहिता अधिक होती है, इसकी सुग्राहिता कम होती है, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, यह विक्षेप विधि पर आधारित होता है, इसमें जो विद्युत वाहक बल है वह वास्तविक विद्युत वाहक बल या विभवांतर के बराबर होता है और इसमें कम होता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ होता है। आप याद रखिए, विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में श्रेष्ठ है। इसके पश्चात हम आगे देखें तो आगे हम सेल हैं तो सेलों का हम यदि हमें प्रबल धारा की प्राप्ति करना है, प्रबल धारा प्राप्त करना है तो सेलों को हम तीन प्रकार से संयोजन कर जोड़ सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तो हम सेलों के संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अगला हम देखें सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, तो हम सेल लेंगे, सेलों का हम संयोजन करेंगे तो हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे, और तीसरा हम इसे जोड़ते हैं तो मिश्रित क्रम में। श्रेणी और समांतर का मिला जुला मिश्रित क्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से सेल हम प्रयोग में लाएंगे तो हम सेल जानते हैं, सेल जो होता है इस प्रकार से प्लस और माइनस, यदि हम लें तो ये धन और ये ऋण जो है, जो लंबा होता है वह धन होता है और जो छोटा होता है वह ऋण होता है। इस प्रकार से सेल में दो ध्रुव होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है। तो इस सेल को हम पहला देखें कि श्रेणी क्रम में हम किस प्रकार से जोड़ें और श्रेणी क्रम में हमें मान किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन, तो पहला जो संयोजन है उसे हम देखें, पहला संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम सेल लेते हैं, ये धन ऋण पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तो तीनों को हम एक श्रेणी में जोड़ देते हैं, धन ऋण धन ऋण धन ऋण। इस प्रकार से तीन सेल यदि हम प्रयोग में लाएं,
इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, इसका भी E है R है, इसका भी E है R है। तो आप देखते हैं कि जो पहला सेल है उसका ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे सेल के धन सिरे से, और तीसरा जो सेल है उसका ऋण सिरा और पहले जो सेल है उसके धन सिरे को हम बाह्य प्रतिरोध से यदि जोड़ दें तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी और वह धारा प्रवाहित होगी I। तो इस प्रकार से हम यह श्रेणी क्रम में हम सेलों को जोड़े और बाह्य जो प्रतिरोध है वह R है। तो मान लेते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही हम लाइन से कई सारे सेल श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कि मान लो N जो सेल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसी यदि n सेल जोड़ें तो मान लो n सेल श्रेणी क्रम में हैं जिनका विद्युत वाहक बल V वा बल E है। आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल r। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अब हम देखें कि जो हम बैटरी लगाए हैं तो जो हमारा जो सेल है या बैटरी है उसका यदि हम कुल विद्युत वाहक बल निकालें तो हम लिखेंगे कि बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, हम कुल विद्युत वाहक बल निकालें तो हमारे पास N सेल हैं और उन सेलों का विद्युत वाहक बल है E, तो कुल हो जाएगा N इंटू E। तो कुल यदि विद्युत वाहक बल निकालें तो उसे हम कहेंगे N E, और कुल आंतरिक प्रतिरोध यदि हम निकालें तो आंतरिक प्रतिरोध है हमारा स्मॉल r और n हमारे प्रतिरोध हैं तो आंतरिक प्रतिरोध होगा n r। अब हम देखें कि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध है r, बाह्य प्रतिरोध का मान है r और बाह्य प्रतिरोध r है जिससे परिपथ में यदि हम कुल परिपथ में कुल प्रतिरोध कहेंगे, कुल प्रतिरोध कितना है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध, एक तो हमारा बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, तो कुल प्रतिरोध हम कहेंगे कैपिटल R धन स्मॉल r। अब जब बाह्य प्रतिरोध में जो बाह्य प्रतिरोध है उसमें बहने वाली हम धारा I निकालें तो हम कहेंगे कि बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा जिसे हम I से दर्शाते हैं, तो बहने वाली धारा I बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल, बैटरी का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये हमें हम धारा का मान निकाल रहे हैं। तो बाह्य प्रतिरोध जो R है उसमें बहने वाली धारा देखिए I है, तो I बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो हमने बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल निकाला है एन ई, इस मान को रखेंगे तो धारा आई बराबर एन ई बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान हमारे पास है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो यदि हम देखें परिपथ में कुल प्रतिरोध, तो परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है, कुल आंतरिक प्रतिरोध है हमारा एन आर, तो हम यहाँ पे आर यदि लेते हैं तो वो एक सेल का हुआ, तो हम क्या ले रहे हैं, कुल प्रतिरोध
तो हम इसे एन आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम आर लेते हैं तो वो एक ही सेल का हुआ, तो हम इसे हम लेंगे परिपथ में कुल प्रतिरोध यदि हम लेते हैं तो यह जो कैपिटल आर है वह लेंगे, और कितने यहाँ पे सेल लगे हुए हैं, एन सेल, और उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है, तो हम कुल प्रतिरोध में कैपिटल आर प्लस एन आर हमें लेना होगा, तो एन ई अपॉन हम लिखेंगे आर प्लस एन आर। केवल आर यदि हम लेते हैं तो एक सेल का हो गया, और हमें यहाँ पे कुल लेना है तो हम उसे लेंगे आर प्लस एन आर। तो इस प्रकार से जो धारा है आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, ये हमें मिलेगा। अब इसमें यदि हम स्थिति देखें, केस देखें, कुछ स्थितियाँ, तो स्थिति पहली स्थिति यदि देखें तो इसे हम समीकरण एक दे देते हैं, समीकरण एक देते हैं, और स्थिति पहला यदि हम ले कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल आर, वह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से यदि काफ़ी कम हो, तो हम कहेंगे कि स्मॉल आर इज़ वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर का मान बहुत ही कम है, छोटा है कैपिटल आर से। तो समीकरण यदि एक में हम मान रखते हैं तो स्मॉल आर का मान क्या है, काफ़ी कम है, छोटा है, तो इसका मान जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगा आई बराबर एन ई बटे आर। तो हमें मिलेगा आई बराबर एन ई बटे कैपिटल आर, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। और एन ई बटे आर, तो n जो है यहाँ पे सेलों की संख्या है, e जो है विद्युत वाहक बल है, r जो है प्रतिरोध का मान है, तो बहने वाली धारा जो I है वह हमें अधिकतम प्राप्त होगा। तो I का मान अधिकतम होगा कब, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होता है। अब दूसरी स्थिति यदि देखें कि जस्ट अपोजिट कि जो कैपिटल R है वह यदि छोटा हो स्मॉल r से, तो हम कहेंगे कि जो बाह्य प्रतिरोध का मान है वह कम है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से, तो हम समीकरण एक से देखें तो हम ये हमारा आया समीकरण एक से, आई का मान इतना आया, तो हम समीकरण एक से देखें तो अब हमें आर का मान क्या लेना पड़ेगा, जीरो, तो कैपिटल आर का मान जीरो लेंगे, तो आई बराबर बचेगा एन ई बटे एन आर, तो आई बराबर एन ई बटे एन आर। और अब देखें कि एन से एन कट रहा है, तो एन से एन चूंकि कट रहे हैं तो हमें मिलेगा आई बराबर ई बटे आर। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा, तो ये हम निकाले समीकरण एक से I बराबर एन ई बटे आर, तो E बटे आर हमें मिला। तो हम देखें कि जो विद्युत वाहक बल है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो रहा है, यदि ऐसा होगा तो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही नगण्य होगा। तो यह जो स्थिति है उस स्थिति में श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ते हैं तो वह हमारे किसी भी काम की नहीं होगी। तो हमें जब सेल से अधिकतम धारा प्राप्त करनी है, तो सेल से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए आप याद रखिए कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होना चाहिए, तभी आपको बहने वाली धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दो स्थितियां हैं, पहला स्मॉल आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर, जिसमें धारा का मान अधिकतम होगा, यह स्थिति आपके लिए उपयोगी है, और कैपिटल आर यदि लेते हैं वेरी लेस देन स्मॉल आर तो यह आपके लिए उपयोगी नहीं है। इससे तो श्रेणी क्रम में हम अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार से मान लेंगे तो हमें अधिकतम धारा प्राप्त होगी। इसके पश्चात समांतर क्रम, जिसमें हम इन सेलों को अब एक दूसरे के हम समांतर में जोड़ेंगे और दोनों का मिला जुला मिश्रित क्रम
श्रेणी और समांतर का यह दो और संयोजन है सेलों का, सेलों का समांतर क्रम और मिश्रित क्रम, इसके बारे में हम अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।